कैप्टन, और यहाँ पे फ्लाई करता हुआ यहाँ पे अपना ये वाला बंदा। चलो भाई इसको तो ले लेंगे अपन लोग, गॉड लाइक हो मत। तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज को एक और नए वीडियो के साथ, तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम करने वाले पाथफाइंडर का एक गेम प्ले। इससे पहले मैंने एक और गेम प्ले किया था जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी तो उसको भी जाकर आप देख सकते हो। और ये पाथफाइंडर में आज हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो वेपन्स से वो लगा के यहाँ पे खेलेंगे, मतलब यहाँ पे वेपन्स अलग अलग टाइप्स के लगाएंगे। और इसमें यहाँ पे इसके साथ जो आता है वेपन्स आप देख सकते हो, यहाँ चीवन करके ये वाला वेपन्स आता है। और यहाँ पे तीनों के तीनों आपको स्लॉट्स मीडियम वाले मिल जाते हैं, मीडियम वेपन्स ही आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लुक वाइज आप देख सकते हो ये वाला वेपन्स और उसका डैमेज वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन साइड पर पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका लुक देखो यार, लुक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मस्त है। और यार ये अभी नया नया है तो आपको पता ही कि जब नया रोबोट्स वो रोबोट के अंदर आता है तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। मॉड्यूल्स में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रिपेयर एम्पलीफायर दो यूज़ किए, एक न्यूक्लियर एम्पलीफायर यूज़ किया है, कॉन्स्टेबल कॉन्डेंट यूज़ किया। अगर आपके पास पाथफाइंडर है तो आप यही वाला जो सेटअप इसको कर सकते हो, ठीक है गाइस, और अपना भी खुद से बना सकते हो। और यहाँ पे एक ड्रोन मैंने यूज़ किया फ्रीजो जो कि इसके साथ आया है, ठीक है। तो ये वाला ड्रोन हम यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं हमारा गेम प्ले कैसे रहेगा। तो हमने यहाँ पे जो स्लॉट से ऑलरेडी यहाँ पे लगा लिया अलग अलग वेपन्स के साथ, चलो अब चलते हैं गेम में, गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करने वाले पाथफाइंडर को वो करने वाले चीवन वेपन्स के साथ जो किसके खुद के वेपन्स है, ठीक है गाइज। और इससे देखें हम कितने किन निकाल पाते हैं। तो अपनी जो टीम है वो एकदम रेडी है, एकदम एग्रेसिव है। चलो चलते हैं बैंड बजाने बंदों की आगे की तरफ। तो सामने से एक बंदा बड़ी स्पीड से आ रहा है भाई, मुझे लगता है ओचो कोची वाला बंदा है, वही इतनी स्पीड से गया इधर। ओचो कोची वाला बंदा यहाँ पे क्लोज में आ गया, बैकन कैप्चर किया एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डैमेज भी दिया। आगे जाके इसकी बैंड बजाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, वैसे तो यहाँ से भी मैं हिट कर सकता हूँ बट मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा। ओके, ओचो कोची को यहाँ पे पढ़ना शुरू हो चुकी है। और इसकी एचपी भाई, एचपी देखो आप, ओ हो हो हो, एचपी बहुत कम हो गई। और सामने, अरे यार मेरा टारगेट वहाँ से हट गया और यहाँ पे मुझे किल नहीं मिला है, असिस्ट का किल मिला है, ठीक है। किसी और ने यहाँ पे उसको फिनिश कर दिया। चलो इसको सामने वाले बंदों को मार दें, देखो गाइस इसको 1 2 3 4, ओ हो 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 भाई किल, क्या मज़ा आ जाता है भाई। बंदों को कैसे पड़ते हैं ना गोले, मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। बर्फ़ के गोले पड़ते हैं भाई, ठीक है। काफ़ी बढ़िया वेपन से, ठीक है, मीडियम वेपन से लेकिन बहुत ज़बरदस्त वेपन है, ठीक है। ओके, इसको देते हैं यहाँ पे डैमेज, चल चल, ओ साइड में हो जा। ओके, डबल किल यहाँ पे हो चुका है गाइस, क्या बात है, मज़ा आ रहा भाई। ये वाले वेपन्स काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक साइड में कोई बंदा है, ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो मैं यहाँ साइड से जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे बंदों के अगर इधर से जाऊँगा ना तो मुझे इजीली फिनिश कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये शायद इसकी एचपी कम है जो कि 400 मीटर या 500 मीटर की रेंज पे, इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ सबसे पहले। ओके भाई, ये बच गया थोड़ा सा, चलो 1 2, ओके दो ही गोलों में ख़त्म हो गया भाई। यहाँ पर ट्रिपल किल हो चुका है, बैकन कैप्चर करते हैं। ओके, यहाँ पर बैकन भी हमने कैप्चर कर लिया और मैं थोड़ा आगे की तरफ जाऊँगा, ये यहाँ पे कवर में चला गया गाइस। ओ भाई, यहाँ पे सेमलू आ गया, अबे भाई ये क्या कर दिया यार सेमलू भैया, ऐसे नहीं करना होता। यहाँ पे सेमलू ने आके पीछे से बैंड बजा दी, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे हम डिस्टीरियर के जो आई ऑन वेपन से अल्टीमेट जो आए थे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखते हैं कैसा इससे हमारा गेम प्ले होता है। ओके, सिंगल शॉट, ओ भाई 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 मर जा, अरे असिस्ट, वाह नाइस, क्या बात है यार। मतलब अगर आपने बंदे को एक बार पूरा शॉट दे दिया ना तो बंदा फिनिश होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देते हैं स्प्रे, ओ चलो भाई यहाँ पे किल हो चुका है गाइस। और यहाँ पे ये वाले बंदों को भी हम थोड़ा सा इसको देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि रिलोड टाइम बहुत कम है इसका। ओके, यहाँ पे सेमलू को मारते, इसने अपने को मारा था, चलो डबल किल हो चुका है यहाँ पे गाइस, काफ़ी मज़ा आता है। ये वाले वेपन्स मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाले वेपन्स उससे भी बढ़िया है, ठीक है, जो इसके जो वेपन्स है पाथफाइंडर के उससे भी बढ़िया ये आईओन वाले हैं, अल्टीमेट आईओन, तो काफ़ी बढ़िया है। ओके, मैं थोड़ा और आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, क्लोज रेंज में इतना ज़्यादा मुझे लगता है खास नहीं है। ओके, फिर भी थोड़ा पीछे रह के मैं फायर देता हूँ। चलो यहाँ पे ट्रिपल किल हो चुका है गाइस, क्या बात है यार। मतलब एक बार बंदे को अगर पड़ गया ना भाई तो भाई वो सीधा परलोक पधार जाएगा, मज़ा ही आ गया। चलो अभी और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इधर से घुसने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाइटन है। ओके, टाइटन को यहाँ पे डैमेज देते हैं। ओके, पड़ा डैमेज, ठीक ठाक डैमेज जा रहा है उसको भी।
और इसको एक किल करते हैं। किल हो जा भाई, हो जा। ओ वैम्प्रेज। ओके यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे अपने को शूट कर रहे हैं, जिसमें से एक टाइटन और यहाँ पे फ्लाई करता हुआ यहाँ पे अपना ये वाला बंदा। चलो भाई इसको तो ले लेंगे अपन लोग। गॉड लाइक, हो मज़ा ही आ जा रहा है भाई, क्या डैमेज जा रहा है। ओके यहाँ पे मैं फिनिश हो चुका हूँ। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अपने ये वाले सेंडू वाले वेपन्स के साथ, देखते हैं एक बार ट्राई करके। लॉन्ग रेंज के वेपन्स नहीं है, क्लोज रेंज के, तो क्लोज रेंज में फाइट लेनी पड़ेगी। बस यही डिसएडवांटेज है कि यार लॉन्ग रेंज में नहीं मार सकते, बाकी क्लोज रेंज में तो भाई कोड लेवल है। ठीक है, अगर आप स्कॉर्पियन में यूज़ करोगे ना इनको, तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। चलो लिमिंग है ये वाले जो वेपन्स है, मीडियम वेपन्स लिमिंग सेंडू वाले, तो इनको भी हम यूज़ करके देखते हैं। सामने सेंडू है शायद, ओके वो पीछे भाग गया, तो मैं थोड़ा क्लोज ही जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि लॉन्ग रेंज में तो मज़ा नहीं आएगा इससे, तो क्लोज जाते हैं। ओ बंदा किसी को शूट कर रहा है, पर इसको पता नहीं पीछे मैं आ रहा हूँ। ओके इसको यहाँ पर डैमेज दिया। ओ मर जा मर जा मर जा भाई, पाथ फाइंडर ही वाला ही बंदा है सामने भी। चल भाई जा, मर जा मर जा मर जा, बहुत टाइम ले रहा है। किल हो चुका है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है यार, थोड़ा सा मुझे को जाना पड़ेगा क्लोज। ओ यहाँ पे मैं गया भाई, गया गया गया, इसको तो लेके जाऊँगा। अ तेरी की यार, यहाँ पे भाई अपन लोग फिनिश हो चुके हैं। चलो भाई अब यहाँ पे अपना जो टाइटन है वो ले लेते हैं आई फील। चलो इससे हम कुछ बंदों को किल करते हैं। ओके यहाँ पे इस क्लोज रेंज में जाना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। ओके यहाँ पे गया ये वाला बंदा। ओके किल यहाँ पे मिल चुका है। ओहो चलो भाई एक और यहाँ पे टाइटन आया स्टार्टिंग में सामने की तरफ, इसको मारते हैं। ओ डैमेज तो काफ़ी जा रहा है, किल किसको मिलेगा? ओ भाई मेरे को यहाँ पे किल नहीं मिला है, किसी दूसरे बंदे को यहाँ पे किल मिल चुका है, उसका डैमेज ज़्यादा था। और मुझे लग रहा है यहाँ पे सब फिनिश भी हो चुके हैं और अब कोई बचा भी नहीं है, और कोई तो नहीं है ना। ओके यहाँ पे सब फिनिश हो चुके हैं, मुझे लगता है अभी कोई आ नहीं रहा है वापस। ओके इसी के साथ यहाँ पे ये वाला जो मैच हम विक्ट्री कर चुके हैं गाइस, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे कितने किल हुए इस वाले मैच के अंदर। ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पे जो लगता है, मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊँ, तो मुझे आयोन जो अल्टीमेट आयोन वाले वेपन से वो काफ़ी बढ़िया लगे। ठीक है, उनसे जल्दी किल हो जाता है और काफ़ी बढ़िया भी है। 10 किल हमने किए, 2 बैकन कैप्चर किए और 4 असिस्ट के किले। ठीक है गाइस, तो काफ़ी बढ़िया है यार ये पाथ फाइंडर, एंड इसके साथ हम अलग अलग वेपन्स को यूज़ करके चेक भी कर सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लगता है वेपन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।